हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज को जो वीडियो है पर्टिकुलरली होम्योपैथिक की एक वीडियो है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे रोग होते हैं तो ये अमुक टाइम फ्रेम में ही आते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं, मेरे को छींके सुबह में ही आती है, कई बार लगता है कि मेरे को शाम को बॉडी एक होता है पर्टिकुलर 4 से 5 बजे, कई बार लगता है कि मैं खाना खाने के बाद ही मेरा पेट फूलता है, कई बार आपको लगता है कि नहीं, मेरे को जो आँखों में जलन होता है जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तब होता है। ऐसे तरह जब पतझड़ की ऋतु आती है, जैसे पानखर बोलते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में स्प्रिंग डिजीज़ बोलते हैं, तो जो स्प्रिंग डिजीज़ में बहुत सारे एलर्जिक डिजीज़ हो जाता है और सारा साल दर्दी को कोई तकलीफ नहीं रहता है, पर जब भी स्प्रिंग ऋतु आ जाती है तब उसको वो नज़ला हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, नाक में जलन होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्प्रिंग ऋतु होती है ये अर्ली फेब या मिड फेब से स्टार्ट होता है, तो ये मिड अप्रैल टू फर्स्ट मई की जो शुरुआत के टाइम में ये पतझड़ ऋतु स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम गर्मी की प्रकोप भी ज़्यादा होती है, धूल भी उड़ती है और ये पत्ते पर जमा हो जाती है। जब पत्ता नीचे करता है तो वातावरण में छोटे छोटे डस्ट या छोटे छोटे जो पोलन्स होते हैं ये वातावरण में नीचे आ जाते हैं, और जिन लोगों को पोलन्स की एलर्जी होता है तब उन लोगों को ये नज़ला मीन्स नाक की और आँखों की सर्दी हो जाती है। तो आज का जो विषय है ये जो स्प्रिंग ऋतु में जो हेल्दी पर्सन को भी ये जरा मांदगी ला देता है, तो ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म रहता है तो उनके सारे और सारे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आज का जो वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि उनके क्या कॉज होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, या उनके लिए कौन से बेस्ट होम मेडिसिन है और इसके लिए कौन से होम्योपैथिक की जो 5 बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जब पतझड़ की ऋतु, जब पत्ते जो फॉल्स होते हैं और ये जो स्प्रिंग ऋतु जब आती है तब कई सारे डिजीज फैक्टर होते हैं, क्योंकि जो लोगों रेस्पिरेटरी लो इम्यूनिटी हो जाती है, तो पर्टिकुलरली जो होली के आजू बाजू के जो दिन होते हैं तब दर्दी को गले का या सांस नली का और आँखों का नज़ला का एक कॉमन बात हो गई है। पर जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होता है तो जब पतझड़ ऋतु या स्प्रिंग ऋतु आ जाता है तब उनको ये रेस्पिरेटरी या ईएनटी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे ऋतु स्प्रिंग ऋतु होता है तो दर्दी को नाक की इंटरनल वॉल में सूजन आ जाती है, रेड हो जाता है, नाक में से पानी आता है, नाक में सारा दिन बोरिंग करना पड़ता है, नाक को खींचना पड़ता है, ऐसे तरह ये गले में भी ड्राइनेस हो जाता है, बार बार इरिटेटिंग कफ निकलता है, गले में सूजन हो जाता है, बोलने में भी दिक्कत आ जाती है, और ऐसे तरह आँखों में भी नज़ला हो जाता है, आँख रेड हो जाती है, जैसे पिंकिश आइज भी बोला जाता है, दर्दी को लो ग्रेड फीवर भी आ जाता है, आँखों में जलन आता है, आँख और नाक में से कंटिन्यूस कई बार तो वाटरी डिस्चार्ज हो जाता है, दर्दी को ब्रेथलेसनेस हो जाता है, हैवीनेस लगता है, जैसे जैसे ऊपर के माल में रहता है तो दर्दी को अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे ग्राउंड लेवल में आता है तो दर्दी को हैवीनेस ब्रीथ करता है, हैवीनेस फीलिंग करता है, और कई बार नोज़ ब्लॉक हो जाता है तो उनको लगता है कि बोरिंग कैच ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाता है, दर्दी को लो ग्रेड हेडेक हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और दर्दी को बॉडी एक भी होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, और गला में खिसखिस रहता है, नींद करे तो दर्दी को नाक ब्लॉक हो जाती है, जैसे राइट साइड जो दर्दी स्लिप करता है तो राइट साइड की नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है, लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल होता है तो लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग ऋतु के जो फ्लू होता है एक वायरस डिजीज़ है, तो जिन लोगों को इम्यूनिटी लो होती है उन लोगों को ये नज़ला होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, दर्दी को गले में भी बर्निंग सेंसेशन होता है, ड्राई कॉफ रहता है, और कई बार तो दर्दी खाना भी नहीं खा पाते और भूख भी नहीं लगता है और वेट लॉस भी होता है। कई बार ये वायरस स्प्रिंग ऋतु के जो वायरस पर्टिकुलरली होते हैं फ्लू के, ये हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हो जाता है, तो गैस्ट्राइटिस
गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्प्रिंग ऋतु में उसका डायरिया इज़ अ वेरी कॉमन, ओल्ड लोगों को पर्टिकुलरली जब भी मौसम में चेंजेस आता है तब उसको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। तो ये जब सारे जब सिम्टम्स आते हैं तो इसका और भी कॉम्प्लिकेशन बनता है, जो आपको 5-10 साल में जो स्प्रिंग ऋतु में ऐसे तरह डिजीज आता है तो आपको एलर्जिक ब्रोंकियाइटिस या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। कई बार आँखों में भी नज़ला होता है तो इन्फेक्शन या पिंक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या तुम्हारा कॉर्नियल में भी थोड़ा सूजन हो सकता है, या आँखों का नंबर भी बढ़ सकता है और आँखों में ड्राइनेस भी आ सकती है। कई बार 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 स्नीजिंग होने से कारण आपको अस्थमा या आपको इम्यूनिटी लो या लो ग्रेड फीवर आने की संभावना रहती है। इसे फटिक भी दर्दी हो जाता है और बेचैनी करता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, नींद नहीं कर पाता है, वीकनेस फील करता है और काम करने का भी मन नहीं होता है, मेलिस बेचैनी दर्दी को लगता है। और तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को तो सबसे पहले एक जो ब्लैक टी आती है उसकी स्टीम लेना चाहिए। इसमें विक्स और बाम बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि आप विक्स और बाम लगाओ तो टेम्पररी सप्रेस करेगा, एंटी आप हिस्टामिनिक जैसे कोई दवा लेते हैं, पर बाद में उसको और ड्राइनेस हो जाएगा। तो ये नज़ले को दबाना का नहीं है, नज़ले को आपको स्टीम से जो भी है, स्टीम क्या करेगा, जो तुम्हारे आँखों में या गले में या नोज़ में स्टीम जाएगा तो स्टीम जो 30-40-60 सेंटीग्रेड होती है, कई तरह हद तक जो ये इन्फ्लुएंजल वायरस होते हैं, जो सर्दी के वायरस होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ तोड़ देता है। तो सारा दिन में जो जो ये रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन नहीं रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपका गाय का घी अंदर डालिए, कई बार वो ड्राइनेस हो जाता है तो गाय का घी भी ये ड्राइनेस कम कर देगा। नहीं तो लॉन्ग टर्म आपका जो डेविट सेप्टम एटले नोज का एक बाजू खिंचाव होना, जिसको डेविट सेप्टम बोलते हैं, तो ऐसे तरह ये जो तुम्हारा नेजल जो पैसेज है उसको ये मॉइस्चराइज रखेगा, तो इससे भी आपको थोड़ा फायदा रख सकता है। और थर्ड में एक आपको होम मेडिसिन के लिए एक गोल्डन टी की मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि सुबह में आप 200 ml वाटर में 1/4 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए, और इसमें पिंच ऑफ जो ब्लैक पेपर है या पिंच ऑफ सौंठ डाल दीजिए और पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डाल दीजिए और आधा नींबू डाल के उसको माइक्रोवेव में गर्म कीजिए और घूंट बाय घूंट आप पीजिए। जैसे आप घूंट पीते हैं तो आपकी जो गले की अंदर की सरफेस को ये टच करना चाहिए, क्योंकि जो भी वायरस है अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये वायरस है, तो ये वायरस को ये हमारा शरीर की इम्यूनिटी डेवलप्स हो जाता है। तो नेजल चैम्बर और एक जो गले के चैम्बर में जो भी वायरस है, ये जो हमने गोल्डन जो आपको टी बनाया है या हल्दी का उकाला जो हम बोलते हैं, तो ये आप गोल्डन टी आप लोगे तो आपको और भी फायदा होएगा। आपको जो ENT पैसेज अच्छा हो जाएगा, चैम्बर क्लियर हो जाएगा, अंदर वाटर इन्फेक्शन नहीं बनेगा, कफ बनेगा, कफ पक जाएगा वो बाहर निकलेगा, तो आपका ये नज़ला का शिकार नहीं बन सकते। साथ में आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाना खाइए, स्वीट है और ठंडा फूड अवॉइड कर दीजिए, प्राणायाम ज़्यादातर कीजिए, तो ये सब कुछ, पानी ज़्यादा लीजिए, तो ये सब कुछ आपको बॉडी को एनहेंस करता है। और आप विटामिन B12 या विटामिन B6 जो है ये फूड में से जितना बने इतना आप ले सकते हैं। साथ में संतरा, द्राक्ष, केला, फ्रिज का पानी, थम्सअप, रसना, गोल्ड स्पॉट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम जैसे चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। और जब भी बाहर मार्केट में जाओ तो ट्रिपल लेयर और डबल लेयर जितना जो मास्क है वो पहन के निकलिए, तो आपका कई हद तक आपको जब ये स्प्रिंग ऋतु में अटैक आता है ये अटैक कम हो सकता है। साथ में आप जो होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जो मेडिसिन है ये ट्यूबरक्लिनम। ट्यूबरक्लिनम ऐसे तो ये टीबी के जंतु में से बनता है, पर इतने कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टीबी वैक्सीन दिया जाए। जैसे वैक्सीन में हम देखते हैं कि BCG की वैक्सीन है और अभी भी जो पैंडेमिक जो रोग है इसमें भी जो जो वायरस होते हैं वो रोग के ही वायरस होते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोसिस की ये नोजोड्स है होम्योपैथिक, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस होता है और रेस्पिरेटरी में जो भी ऑर्गन है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे आयुर्वेदिक में कफ प्रकृति के लिए जैसे दवा है, एक कफ प्रकृति का एक मास्टर ड्रग्स है, तो आपको वनम पोटेंसी ट्यूबरक्लिनम लेना चाहिए। सेकंड दवा है एलियम सेपा। एलियम सेपा में जब आपको नज़ला, नाक में से पानी आता है, आँख में से जलन होता है,
गले में खिस खिस रहता है, ड्राइनेस फील करते हैं, बेचैनी होता है, बोरिंग हो जाता है, तब आप एलियम सेपा 30 पोटेंसी में 15 दिन लेना चाहिए। ऐसे तो ऐसे रोगों में आपको एक साल तक अंडर होम्योपैथी के ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये रोग ऐसा नहीं है कि आप दवा खाओ और इम्यूनिटी बढ़ जाए। थर्ड नंबर की दवा, जब भी आप मॉर्निंग में उठो और 25-50 छींके आ जाए, नाक में से पानी आ जाए, गले में खिसखिस हो जाए और नोज़ ब्लॉक हो जाए और गला बार बार आपको गला साफ करने की इच्छा हो जाए, फिर से भी आप चेंज जैसे एटमोसफियर होता है, आप एसी वाला रूम में से नॉर्मल रूम में जाते हैं या स्नान करने के बाद जैसे बाथरूम में से बाहर निकलते हैं और लॉट ऑफ स्नीजिंग आता है, और पर्टिकुलरली यही सीज़न में और जैसे मानसून सीजन में भी जब नज़ला और स्नीजिंग ज़्यादा आती है, तब आप ये काली बीज का उपयोग करना चाहिए। कई बार ये स्प्रिंग ऋतु में आप ग्राउंड फ्लोर चलते हैं या गार्डन में चलते हैं तो आपका हैवीनेस ब्रीदिंग लगता है, या जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो हैवीनेस कम लगता है, तब ये दवा का आपको उपयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर की जो दवा है ये काली मूर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। ये 6x पोटेंसी में उपयोग करना चाहिए, जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, गले में हैवीनेस लगता है, आवाज़ में हैवीनेस लगता है, ड्राई कॉफ आता है, गले में सूजन आ जाती है, आँखों में भी पिंक येलोइश पिंकिश कंजक्टिवाइटिस रहता है, फीवर रहता है, बॉडी एक रहता है, बॉडी को फटिक रहता है, तब आप काली मूर का उपयोग करना चाहिए। मित्रों कई बार तो यूफ्रेशिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर स्प्रिंग ऋतु में, और यूफ्रेशिया जिन लोगों को आँखों में की नज़ला होती है और आँख की तकलीफ ज़्यादा हुए, नज़ले में आँखों में कंटिन्यूस पानी आए और उनको साइनसाइटिस आँखों की जिसे बोलते हैं आँखों की नज़ला बोलते हैं, तो यूफ्रेशिया का उपयोग करना चाहिए। लास्ट मेडिसिन है, जो लोगों को स्प्रिंग ऋतु में डायरिया हो जाता है तो उनको ये पोडोपाइलम नाम की होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। मित्रों जो भी होम्योपैथिक दवा है आप कंटिन्यूस एक महीना चलाइए, जो आपको अच्छा नहीं लगता है और रिलीफ नहीं होती है तो आप कोई अच्छा होम्योपैथ के पास जाके ये 1 ईयर तक आप दवा लो, तो आप मैं शॉर्ट बोलता हूँ कि आपका जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब आप सफ़र नहीं कर पाओगे। नहीं तो ये जो आप जो ये जो स्प्रिंग का नज़ला आप दबाते हैं तो लॉन्ग टर्म आपको एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जिक अस्थमा या कार्डियक अस्थमा या आपको आँखों का कोई कॉम्प्लिकेशन या गले में बार बार गले की सूजन एलर्जी पोलन से और बढ़ेगा और आपके हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। तो होम्योपैथिक इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, देर इज़ अ नो एनी साइड इफेक्ट, तो आपको शॉर्ट ऐसे रोगों में आपको होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।